जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। 2 दिवसीय अष्टयाम को लेकर निकाली गई भव्यकल सुशोभा यात्रा मधुबनी जिला के जयनगर में भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित श्री श्री 108 श्री कान्हर बाबा बेतौन्हा में समस्त ग्रामीणों के सहयोग से हर साल कलश शोभा यात्रा और 2 दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 2 दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा अष्टयाम स्थल से कमलांदी के तट पर पहुंचा, जहां 1000 कलश यात्रियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जलबोझी किया। तत्पश्चात कलश यात्रियों ने अष्टयाम स्थल पर पहुंचा। शोभा यात्रा में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालु बैंड बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जहां कान्हर बाबा की जय, कमला मैया की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय सहित देवी देवताओं के गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर पूजा समिति के सदस्य धनुष लाल महतो ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी 2 दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन मानव कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस मौके पर बेल्ही पश्चिमी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य सियाराम ठाकुर, बेल्ही पश्चिमी पंचायत के सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी, सूर्यदेव पासवान, सुनील हजरा सहित अन्य मौजूद थे। कान्हरवाज का स्थान है, वहाँ पे हर साल इस कलश यात्रा निकाला जाता है और अभियान किया जाता है 24 घंटा का अखंड नाम। कान्हर बाबा स्थान जो है बेतौन्हा में, ये अलौकिक कान्हर बाबा है। बहुत पूर्व में 100 वर्ष पहले कान्हर बाबा नाम से जाना जाता था। वो कान्हर बाबा देव शक्ति थे, आलोपित हो गए। अब उस जगह का उतना भाव है, उस जगह का उतना नाम है, जो देश विदेश से आदमी आकर वहाँ पे प्रसाद भंडारा करते हैं और हर साल हम लोग ग्रामीण मिल के, समस्त ग्रामवासी मिल के वहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकालते हैं और अभियान करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सियाराम ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, दिल्ली पश्चिम। आज 3/11 को कलश यात्रा कान्हर बाबा स्थान से निकाली गई। अब ये प्राचीन काल से हो आ रहा है, साल में एक बार पूरा ग्रामीण मिलकर इसको शोभा यात्रा करते हैं और ये साक्षात कान्हर बाबा आलोपित हो गया है। और जिसको मनोकामना जैसा होता है उसका मानता पूरा होता है, कहीं वहीं जिसको मन में जो आया हो उसे पूर्ति करता है कान्हर बाबा। और ये प्राचीन काल से है, अंग्रेज टाइम से ही बना हुआ है। या कल समाप्त होगा, ये 2 दिन का है, 2 दिन का है ये। कितने कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली? 1001 कलश यात्रा शोभा है इसमें। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ धनुष लाल महतो, ग्रामवासी बेतौन्हा। यह आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है कान्हर बाबा का। बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौन्हा में बॉर्डर साइड में है कान्हर बाबा का, जो बरसों से वहाँ हर साल हर्षोल्लास से इसी तरह कान्हर बाबा के यहाँ अष्टयाम होता है, 2 दिवसीय प्रोग्राम होता है, जिसमें आज 1001 कुमारी कन्याओं ने कमला जी में कमला जल भरकर कलश यात्रा कर वहाँ का आज उद्घाटन हुआ और कल समाप्ति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेल्ही पश्चिमी सरपंच। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। शर्मा जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं वर्मा जी, बस अब आप लड़की दिखाइए। बहुत अच्छी है। तो रिश्ता पक्का समझे? अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ। हर रिश्ते की शुरुआत बंगाल गोल्ड डायमंड टी, जो बनी है असम की चुनिंदा चाय बागानों की पत्तियों से, जिससे मिले कड़क स्वाद और रिफ्रेशमेंट। बंगाल गोल्ड डायमंड टी।